एमएसएसटी में आज नेक कमेटी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम की कवायद अंतर्गत आज से 3 दिनों के लिए नेक कमेटी एमएसएसटी में आगमन करने के बीच आज उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। एमएसएसटी की रैंकिंग देने के लिए नेक कमेटी के इंस्पेक्शन अंतर्गत आज यहां पर नेक कमेटी ने आगमन किया था। हर 5 वर्ष के दौरान नेक कमेटी द्वारा यूनिवर्सिटी स्थित इंस्पेक्शन किया जाता है, उसी प्रकार से आज से 3 दिनों के लिए अब नेक कमेटी द्वारा इंस्पेक्शन प्रारंभ किया जाएगा, जहां आज हेड ऑफिस पर नेक कमेटी का आगमन वाइस चांसलर द्वारा किया गया। विविध देश के विद्यार्थी अपने देश के राष्ट्रध्वज के साथ जुड़े थे। अलग अलग फैकल्टी के डीन भी उपस्थित रहे थे। वाइस चांसलर द्वारा यूनिवर्सिटी के बारे में प्रेजेंटेशन दर्शाया गया, जिसके बाद नेक कमेटी के सदस्यों द्वारा विविध फैकल्टी की रूबरू मुलाकात लेते हुए इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो वहीं तमाम रिपोर्ट तैयार करने के बाद नेक कमेटी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देगी। यूनिवर्सिटी में आज नेकनी टीम पधारी है, अमे एमनुं हार्दिक स्वागत करीए छीए। 7 सभ्यों की टीम अहीं हाल अत्यारे हेड ऑफिस खाते आवी छे अने समग्र टीम ने यूनिवर्सिटी द्वारा उत्साहपूर्वक एमने आवकारवामां आव्या छे। वैदिक मंत्रोच्चार હોય, તિલક લગાવવાની આપણી જે ભારતીય પરંપરા છે આ પરંપરાને અનુસરીને એમને આવકારવાના છે। સાથે સાથે ફોરેન સ્ટુડન્ટ્સ જે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે એમનો પણ ઉત્સાહ અનેરો હતો। એ પણ પોતપોતાના દેશના ફ્લેગ સાથે એ લોકો નેકની ટીમને વેલકમ કરી હતી અને NCCના કેડેટ્સ દ્વારા પણ એમને માર્ચ પાસ્ટ કરી અને એમને વેલકમ કરવામાં આવ્યા હતા। અને અત્યારે હાલ નેકની ટીમ એ હેડ ઓફિસની મુલાકાતે છે અને વિવિધ વિભાગોમાં પણ એ જશે અને ત્યાં પણ એમનું જે છે મુલાકાત એનું પણ આયોજન થશે। ટોટલ કેટલી ટીમો છે? એ ખૂબ જ કોન્ફિડેન્શિયલ હોય છે અને એ ટીમ કેટલી બનાવી, શું કરવું એ સંપૂર્ણપણે નેકની જે ટીમ હોય છે અંદર ડિસ્કસ કરીને એ લોકો નક્કી કરતા હોય છે અને આપણે યુનિવર્સિટી માટે એ સંપૂર્ણપણે એક પ્રકારનું જેને કહેવાય કે સરપ્રાઈઝ વિઝિટ ટાઈપનું હોય છે, પરંતુ યુનિવર્સિટી આ દરેકને પહોંચી વળવા માટે અત્યારે હાલ સુસજ્જ છે। हाँ, आज से जैसा आप लोगों को मालूम है कि 3 दिन का हम लोगों का नेक इंस्पेक्शन 25, 26 और 27 तारीख को शेड्यूल था, वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है, अगले आने वाले 2 दिनों में भी चलेगा। टोटल 3 दिन का ये इंस्पेक्शन है। आप सभी के सहयोग से अच्छा ग्रेड MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को मिले, ऐसा हम लोगों का प्रयत्न है। धन्यवाद। कितनी टीम आई है? इसमें टीम्स तो अलग अलग डिवाइड होती हैं, मतलब मेंबर्स उसमें सारे फैकल्टीज़ के हिसाब से होते हैं, जो जितने फैकल्टीज़ हैं उस हिसाब से स्पेशलाइज्ड फैकल्टी आते हैं, जो सभी अलग अलग फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट में जा कर के सारा इंस्पेक्शन करेंगे। उसमें विजिट भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स भी रखते हैं, तो ये सब के साथ पे पूरा उनका शेड्यूल रहता है और वो लास्ट मोमेंट पे ही बताया जाता है कि कब क्या होगा। तो अभी का जो था प्रोग्राम उनका, उसमें वो लोग आगे बढ़ चुके, उसके बाद जैसे जैसे सूचना आएगी हम लोग आगे का प्लान करेंगे।